आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। अयोध्या कचहरी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस छावनी में तब्दील हुई रामनगरी। देश की अति संवेदनशील अयोध्या में स्थित फैजाबाद कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद यहां सनसनी। फैजाबाद के जिला जज के न्यायालय को स्पीड पोस्ट से मिले पत्र के बाद आनंद फानन में अयोध्या तथा फैजाबाद कचहरी परिसर में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है और तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों समेत फैजाबाद कचहरी में जगह जगह तलाशी देकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे कोर्ट परिसर की डॉग स्क्वाड से छानबीन की और इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट परिसर के गेट पर फोर्स को तैनात कर दिया है। डॉग स्क्वाड के जरिए संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है। धमकी भरा पत्र पूरा कलंदर के दौलतपुर निवासी एक राशिद के नाम का गलत दुरुपयोग करके पुलिस ने इस व्यक्ति से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी युवक निर्दोष निकला। बता दें कि कोतवाली नगर में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। अब स्थानीय पुलिस और एटीएस धमकी और इस हमले की कड़ियों को जोड़ते हुए जुट गई है। एहतियात के तौर पर अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा महकमा अलर्ट है। इसके बाद अयोध्या में सुरक्षा से जुड़े अधिकारी सतर्क हो गए हैं। अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में हनुमानगढ़ी, कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि समेत प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकी भरा पत्र में जांच एवं कार्रवाई के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या श्री शैलेश कुमार पांडे ने पत्रकारों को जानकारी दी। जानिए क्या है पूरा मामला। 2 जून को एक पत्र न्यायालय की तरफ से प्राप्त हुआ था, जिसमें न्यायालय के लिए धमकी लिखी हुई थी उस पत्र में। उस पत्र में एक व्यक्ति का नाम और उसका पता भी लिखा हुआ था। प्राप्त पत्र पे तुरंत पुलिस ने जब इसकी जांच की और जिस व्यक्ति का नाम, प्रेषक का जो नाम लिखा हुआ था, उससे जब पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया उसका कोई इस तरह का मंशा और इस तरह का रोल नहीं पाया गया। इसमें जो कंटेंट है उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और इनसे जब पूछताछ जो हुई है उसमें कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आए। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने शरारतवश जिस प्रेषक के नाम से ये पत्र भेजा गया था उसको परेशान करने के उद्देश्य से ये पत्र भेजा गया। फिर भी इसकी डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। साथ ही साथ न्यायालय में गश्त, पेट्रोलिंग इत्यादि जो है बढ़ा दी गई है और न्यायालय की एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ तरीके से हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।